यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आसाम से हूँ, आसाम गुवाहाटी से। मैं ओरिजिनली शिवसागर नाजिरा से हूँ, लेकिन मैं रहती हूँ गुवाहाटी में। मैं एक्चुअली मैं प्रोफेशनली सिंगर नहीं हूँ, मैं बिजनेस वूमन हूँ। जस्ट म्यूजिक इज़ माई पैशन। ओके, सो अभी जो मैं अभी ये आप बोल नहीं सकते कि मैं सिंगर हूँ, एज ए मैं होटेलियर। और म्यूजिक के प्रति मेरा इतना मींस पैशन है, इसीलिए मैं गाना गाती हूँ। दैट्स द पॉइंट ओनली। ये बताइए, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को सपोर्ट किया आपको इस चीज में, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने में, उनके बारे में? हाँ, मींस आप कौन सा ड्रीम्स के बारे में बोल रहे हैं? सिंगिंग ड्रीम्स हो या जो सिंगिंग सिंगिंग के लिए मेरा हस्बैंड एक्चुअली एंड माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली, ये सब ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करके आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट शायद मैं अभी और एक एल्बम बनाना चाहूँगी थोड़े दिन के बाद, तो शायद उन लोगों के सपोर्ट के वजह से ही। उन लोगों को मैं बहुत 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 थैंक्स देना चाहती हूँ। टेल अबाउट इनिशियल डे, जो आपका स्ट्रगलिंग डेज था, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, किस तरह से इस मुकाम पे पहुंची आप। देखिए, मैं एक बहुत छोटी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, एक गाँव से हूँ, एक स्मॉल टाउन से हूँ, जिसका नाम है नाजिरा, डिस्ट्रिक्ट है शिवसागर। तो उधर से मैंने SSLC कंप्लीट की, हायर सेकेंडरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं आई गुवाहाटी। गुवाहाटी में होटल मैनेजमेंट की, होटल मैनेजमेंट के बाद मेरा शादी हो गया उसी टाइम। तो ऐसा हो गया कि शायद मेरा लक में नहीं था, तो मेरा पहला सो शादी वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं बहुत सफ़र किया, पहनने के लिए मेरा ड्रेस नहीं था, चप्पल नहीं था, खाने के लिए चावल नहीं था। मैंने क्या किया, मैं ये जो है ना मीट, मुझे मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैंने इतना मेरा प्रॉब्लम था, इतना मीन्स लाइफ में मैंने रोया है, तो मैं गुवाहाटी में आके वो मीट का शॉप खोली और उधर में एक लड़का रखा, तो वो संभालते थे वो सब, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सो दिया, मैंने सब्ज़ी का दुकान दिया वो उधर ही गुवाहाटी में। फिर उससे पहले मैंने नाजिरा में, होता है हमारा एक कोना उधर तिनियाली बोल के, उधर मैंने किया था सब्ज़ी का दुकान दी थी, घर में जो मिलता है सब्ज़ी तब्जी, तो वो सब मैंने किया था लाइफ में। मैं पापा से पैसा नहीं मांगती थी, खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहती थी। तो फिर आके मैंने होटल मैनेजमेंट की। पापा 2000 देते थे, तो देखिए 2000 में क्या होता है, मेरा रेंट, बास का आना जाना, कपड़ा तो मैं मीन्स खरीदती ही नहीं थी। तो मेरा फर्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, मेरा हस्बैंड ने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। तो मैंने सोच ली थी कि नहीं, इसके साथ मैं जी नहीं सकूँगी। सो मैंने डाइवोर्स का अप्लाई किया, तो मेरा डाइवोर्स हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा एक होटल में ज्वाइन की, जिसका नाम होटल मॉनसून पैलेस है। और उसका मॉनसून पैलेस का होटल का जो मालिक है, वही आज मेरा हस्बैंड है, क्योंकि वो इतना अच्छा आदमी है, मेरे लिए भगवान की जैसा है। सो उसके सपोर्ट के वजह से शायद मैं आज हूँ, और शायद उन्होंने मुझे इसीलिए सपोर्ट किया कि मैं बहुत मीन्स प्रैक्टिकल हूँ, एक्टिव हूँ मेरे कामों के लिए। तो उस इसीलिए उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन दिया, एज ए मीन्स फ्रंट ऑफिस मैनेजर, GM, उसके बाद डायरेक्टर। अभी शादी उसके उसने मुझे प्रपोज़ किया शादी के लिए, मैं 2-3 साल में उसको हाँ बोला। उसके बाद अभी आफ्टर शादी के बाद, तो देखिए हस्बैंड का जो होता है वही वाइफ का होता है। तो हमारा अभी क्या है, एक होटल है और एक रेस्टोरेंट है, और एक आने वाला रेस्टोरेंट है मेरे हस्बैंड का, एक मीन्स ऐसा ही वो गवर्नमेंट का काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर। एंड क्या चेंज किया आपने होटल में, जो आपने जब ज्वाइन किया था, आपने क्या क्या चेंज, क्या बदलाव लाए आप होटल के अंदर? बदलाव मीन्स बहुत पहले नहीं था। पहले देखिए स्टाफ के अंदर जो मीन्स कॉपरेशन होना चाहिए वो पहले नहीं था, ठीक है। और होटल में क्या होता है, बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है, जो पहले था मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं था, लेकिन
मैं जितना हो सका और अभी तक मैं ट्राई करती हूँ कि होटल बेटर हो, और चेंजेस आए हैं। मैं अभी कैसे बोल सकती हूँ ये चेंजेस आए हैं, लेकिन बहुत सारे आए हैं ये तो पता है आपको। शायद आप रहते तो आपको देखना, कोई अगर देखता है, देख रहा है, तो शायद उन लोगों को पता है कहाँ मैडम के आने के बाद ये सब चेंज हुआ है। जब ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि काफी आप सिंगर भी हो, आपने कहीं समाज सेवा भी की है, जरा बताइए इसके बारे में। सिंगर मींस मैंने बोला है कि मैं सिंगर मींस सिंगिंग इज माय नॉट प्रोफेशन, इज माय पैशन। मुझे अच्छा लगता है, मैंने ट्रेनिंग नहीं किया अभी तक। मैं स्टेज में भी एक बार मेरा जो इनॉग्रेशन हुआ था तब गाई थी, और जब मैं छोटी थी तब शायद स्टेज में कोई फंक्शन में एक या दो बार गाई थी। तो मैं गाना गुनगुनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगर होना मेरा मीन्स यही मैं सिंगर होंगी प्रोफेशनल, ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन मैं होटल में ही बैठ रही थी तो मैं सोच रही थी क्यों ना एक गाना गाऊं और एल्बम करूं या वीडियो करूं। वीडियो उसके बाद मेरा दिमाग में आया, मैंने हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है करो। तो उसी समय मैंने एक गाना लिखा, लिखने के बाद हस्बैंड को मैंने सुनाया गाड़ी में, उसने कहा बहुत अच्छा। तो मैं उनको बोला कि क्या उसमें मैं गा सकती हूँ, हाँ क्यों नहीं। तो गाने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर मैंने उनको सुनाया, फिर उसने कहा ठीक है थोड़ा सा लिरिक्स जो है ना वो चेंज कर दो, ट्यून चेंज कर दो तो अच्छा लगेगा। करने के बाद फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को दिया, उसने उसके ऊपर ट्यून मीन्स म्यूजिक बनाया। तो पहले जब मैं गाना गई थी स्टूडियो में, एक गाना शायद 3-4 बार में प्रैक्टिस कर रही थी, नहीं आवाज़ जो है ना वो ऐसा नहीं आते हैं। फिर ऐसे करके के धीरे 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 मैंने 1 मंथ में ही 12 गाना मैंने लिखा, ट्यून दिया। फिर पूरा प्रोसेस होने के लिए मुझे 1 ईयर लगा, क्योंकि एक गाना एक दिन में नहीं होता। मैं कर देती हूँ फटाफट, शायद मेरे खून में है, मैं लिख भी 1 सेकेंड में सकती हूँ, उसका ट्यून भी कर सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि म्यूजिक बनाना बहुत बड़ी बात है ना, उसको म्यूजिक बनाना है, फिर सेटिंग करना है, फिर मुझे डबिंग करना है, ये प्रोसेस में थोड़ा दिन लगता है, तो इसीलिए 1 ईयर लगा। गाने किसे लिखे आपने, रोमांटिक लिखे हैं? मेरे गाने सब प्रकार के हैं, एक हस्बैंड के लिए लिखा था और मेरे खुद के लाइफ के ऊपर भी एक या दो गाना है, जो मीन्स फीलिंग्स जो आते हैं ना, पता नहीं कहाँ से क्या फीलिंग्स आ जाते हैं, जो फीलिंग्स आता है उसके ऊपर ही मैं गाना लिख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके लिए लिख रही हूँ, उसके लिए लिख रही हूँ। कुछ फेसबुक में देखा उसका, कुछ मुझे पसंद आया उसका स्टेटस, तो उसके ऊपर ही मैं कुछ लिख देती हूँ, ऐसा है मीन्स। सोशल ये समाज सेवा एक्चुअली मैं इसीलिए नहीं करती हूँ कि देखिए मैं किसी एनजीओ या ये सब से जुड़ी हुई नहीं हूँ। जो करती हूँ देखिए, अगर कोई मुझे देखा कि रास्ते में पड़ा हुआ है, किसी का ये नहीं है, किसी का खाना नहीं है, तो मैं जितना हो सके मेरी तरफ से ट्राई करती हूँ। अभी 220 पीपल को, बच्चों को मैंने अम्ब्रेला दिया है, उससे पहले मैंने बैग दिया था, और स्कूल में मैं जहाँ पर LP स्कूल में पढ़ती थी ना, उधर में मैं जितना हो सके मैं ट्राई करती हूँ टिफ़िन बॉक्स, पानी का बॉटल, ये सब देने के लिए। और उसी स्कूल में मैंने एक बाउंड्री दिया, और एक हमारा उधर टेंपल मंदिर है उसमें मैंने एक गेस्ट हाउस दिया है, और एक मंदिर का गेट, ऐसे ही बहुत सारा जगह है जहाँ पर मैं मीन्स ईयरली मैं 5,000-6,000 पीपल को खाना खिलाती हूँ। और कोई ऑपरेशन के लिए, कुछ मेडिकल ये सब के लिए आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, अगर किसी का काम मेरे से अगर बने थोड़ा देने में तो मैं ट्राई करती हूँ। ये सिर्फ गुवाहाटी वालों के लिए, असम वालों के लिए है या आम के लिए भी है? नहीं देखिए, मैं गुवाहाटी में ही हूँ, ठीक है, अगर गुवाहाटी में अगर मुझे दिखता है तो मैं ट्राई करती हूँ देने के लिए। अगर मैं नाजिरा में जाती हूँ, मेरे प्लेस में अगर मैं मुझे कुछ दिखाई देता है तो मैं ट्राई करती हूँ उनको देने के लिए। अगर देखिए मैं बॉम्बे में आने के बाद भी मुझे बहुत सारे गाड़ी रुक ऐसे करते हैं ना, तो मैं उनको भी दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ओनली गुवाहाटी और नाजिरा में दूंगी, वो जहाँ भी देखेगा वर्ल्ड का कोई ऐसा, तो मैं ट्राई करूँगी मेरे कैपेसिटी से जितना हो सके, चाहे 100 रुपीज़ हो, 10 रुपीज़ हो, या कुछ खाने का सामान हो, देने की ट्राई करती हूँ। ये बताइए विजन क्या आपका आगे चल के, मतलब आपका जो सिंगिंग कैरियर है या बिजनेस को लेकर, किस तरह से आप उसको लार्जर लाइफ बनाने वाली हैं, क्या ड्रीम्स क्या है लाइफ को लेकर आपका?
अभी ऐसा ड्रीम्स मीन्स देखिए मुझे बिजनेस ग्रोथ करना है, ओनली फोकस बिजनेस। सिंगिंग का क्या है, मैं बनाऊंगी शायद और एक एल्बम बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं कब बनाऊंगी, वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, जब टाइम मिलेगा। जब गाना तो बहुत सारा बना हुआ है, मुझे भी माइंड फ्रेश चाहिए ना कुछ सब करने के लिए। अगर हो जाएगा तो मैं शायद इस साल या उस मीन्स 2018 में बनाऊंगी। और बाकी आप क्या पूछ रहे थे, विजन क्या है आपका आगे चलने? आगे ड्रीम मेरा क्या है, लोगों को हेल्प करना, मेरा बिजनेस को ग्रोथ देना और ज़्यादा बढ़े वो फैले सब में। ऐसा नहीं कि गुवाहाटी में हो, शायद कभी मुंबई में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, ट्राई करूँगी। ऐसा नहीं है कि बनाऊँगी, लेकिन आई विल ट्राई। एंड और क्या बोलो, आसामी सॉन्ग आप गाती हैं तो क्या आसामी फिल्मों में आप ट्राई करेंगे आगे चल के अगर कुछ होता है? नहीं, मैं फिल्मों का मेरा मीन्स नहीं है इतना, मैं नहीं जाना चाहती उस मीन्स लेवल में, मीन्स फिल्मों में। कल आपको अवार्ड मिला तो उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग रही और क्या कहेंगी आगे की लाइफ के लिए? कल अवार्ड मिला ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि जूरी मेंबर्स ने मुझे सिलेक्ट किया। और मैं जो कल का मीन्स मेरा वो दिन था ना, मेरे लिए बहुत लकी था। मैं बहुत अभी मीन्स प्राउड फील कर रही हूँ जे आसाम से आके मैंने ये अवार्ड लिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबको थैंक्स देना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और देखती हूँ आगे और करूँगी, नॉट ओनली अवार्ड के लिए करूँगी, भगवान चाहे तो अगर जिंदा रहूँ तो। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मुंबई कैसा लगा आपको? आप मुंबई मेरे ख्याल पहली बार आप? नहीं नहीं, मैं बहुत बार मुंबई आ चुकी हूँ, लेकिन मुंबई तो मुझे अच्छा लगता है। और क्यों इतना मीन्स अच्छा है, सब लोग है इधर, इधर ये सागर है सब कुछ है, तो क्यों बुरा लगेगा। बॉलीवुड में कभी आप सोचे कि गाना लिखेंगे हिंदी गाना? क्या समझ गए लिख लिया, 12-15 लिख चुके हो, बॉलीवुड में हिंदी गाने अगर देने हो तो? नहीं, बॉलीवुड में देखो लिखने से तो प्रॉब्लम नहीं है, और लिख के भी दे सकती हूँ, गा भी सकती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, हमें क्या प्रैक्टिस होना चाहिए, लेकिन मेरा वो इतना नहीं है, मुझे ट्राई करना पड़ेगा। शायद भगवान चाहे या मैं ज़्यादा ट्राई करूँगी तो शायद हो सकता है ऐसा। आज आप यहाँ बैठी हैं तो अपने जो चाहने वाले हैं, मतलब जो आपके गांव के और शहर के लोग, उनको क्या मैसेज दें? उनको मैं यही मैसेज दे रही हूँ अभी, क्योंकि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। देखो लाइफ में ऊपर नीचे सब होगा, अप एंड डाउन सब आएंगे, लेकिन हमको मीन्स खड़े रहना है उसमें। हमें रोना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, कभी कभी ऐसा दिन आएगा कि हम इतना टूट जाएंगे कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसमें अगर हम टूट गए ना, हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो रेस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों को, माँ पापा को, सबको, और जितना हो सके प्यार फैलाना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को अगर कोई आगे बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, जेलस फील होते हैं, ये आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, नहीं। हमको सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं आज इस मुकाम में हूँ तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर मेरे से भी ज़्यादा कोई आगे जाएगा मुझे भी वो सपोर्ट देना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबको रेस्पेक्ट करो, बड़ों को आप मीन्स ऐसा काम करो कि आपका मन खुश हो पहले, और अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करो, तब शायद आप जहाँ हो उससे और ज़्यादा आगे जा सकते हो। एंड थिंक ओनली पॉजिटिव। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
अच्छाई बताइए, बुराई बताइए। बुराई पे अच्छा से मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है, अगर कुछ मिलता है तो आगे जाके मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, तो माफी चाहूंगा उसके लिए, बुराई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वैसे बुराई करने का मजा अलग है, लेकिन मुझे मौका नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऑन सीरियस नोट, मोनालिसा जो पर्सनैलिटी है, मैं जो काफ़ी दिनों जानता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे जो उसका पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो गरीब को या जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए उनका जो पैशन है, दैट इज़ हर चार्म। वो गाना लिखती है, गाना गाती है, होटेलियर है, एज ए गुड ह्यूमन बींग है, दैट इज़ ओके। मैं चाहता हूँ, उसका गाना काफ़ी सुना है, ओरे प्रिया बोल के उसने एक एल्बम किया था, उसको अवार्ड भी मिला, दो अवार्ड मिला, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लेकिन वो ठीक है, आई मीन माई गुड विशेज टू हर, लेकिन मेन चीज़ है उसका जो गरीब को हेल्प करने के लिए जो कोशिश है, मान कोई भी आ जाता है यार मुझे हेल्प चाहिए, वो आगे बढ़ के आती है, नाजिरा बोल के जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे स्कूल्स में जो बच्चे लोगों को अम्ब्रेला देना, टिफिन बॉक्स देना, गरीब को हेल्प करना, किसी को ऑपरेशन जो भी किसी का कुछ ऑपरेट हो रहा है उसको देना, उस तो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और मैं चाहता हूँ कि सी इज ए रोल मॉडल फॉर आप न्यू जनरेशन। आजकल इतना सेल्फिश हो गए लोग, क्योंकि अपने बारे में सोचते हैं, बस मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा घर, मेरा बिजनेस, उसके ऊपर जाके जो वो किया है ना, डेली हर चार्म, वो